हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए थे वाटर कलर करने के लिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा क्लाउडी है, तो मैंने देखिए कलर में ऊपर क्लाउडी थोड़ा करने का कोशिश किया है, और ड्राइंग वगैरह भी हो गई है। और अभी मैंने कलर, ये फर्स्ट वन अभी मैंने किया है, फर्स्ट वॉश है। अभी हम इसको और अकेले हैं तो वीडियो अभी बनाने के बाद ही दिखा रहे हैं। हम यहाँ पे अभी अकेले हैं तो अभी क्लाइमेट का कलर आप देख सकते हैं, क्लाउडी है, और कलर मैंने कैसे किया हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा और अभी करता हूँ पेंटिंग, फिर उसके बाद वीडियो बाकी आगे की आपको दिखाता हूँ। तो अभी इतना हो गया है, इसके आगे अभी हम नीचे कलर करेंगे तो उसकी वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप सामने क्लाइमेट देख सकते हैं कैसा है, थोड़ा हल्की बारिश वगैरह हुई है। ऐसे टाइम में वाटर कलर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कलर जल्दी सूखता नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर सेकंड वॉश उसके बाद कर सकते हैं कलर सूखने के बाद। तो अभी हमने नीचे का ये फर्स्ट टोन कर लिया है। इसमें हमने ज़मीन का और साइड जो घास है उसको भी कलर कर दिया है। इस पर हमारे सब्जेक्ट के सामने भी कुछ पेड़ वगैरह थे तो हमने उसको रिमूव कर दिया है, और क्लाइमेट थोड़ा क्लाउडी था तो वैसा ही अभी हमने इफ़ेक्ट रहने दिया है। अभी धीरे धीरे अब हम इसमें डिटेलिंग करते जाएंगे। ड्राइंग वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। बीच में जो घर है उस पर दीवार पे भी कुछ वाइट कलर छोड़ना है, तो इसलिए हमने अभी जो है पूरा वाइट ही छोड़ा है। मेरा सब्जेक्ट मेन वही है। यहाँ पर हम अकेले ही आए हैं तो इसलिए हम कलरिंग करते वक्त की वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे, उसके लिए सॉरी। बट हम थोड़ी थोड़ी देर पे, जब ये अभी वाटर कलर मैंने किया है तो ये सूख रहा है अभी, तो यहाँ पे आप डिटेल्स थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अभी ये सूख रहा है तो इसको सूखने में थोड़ा टाइम है, तब तक हम वीडियो बना ले रहे हैं। फिर उसके बाद अभी हम इस पर और डिटेलिंग करेंगे, सेकंड टोन देंगे, तो उसके बाद हम एक बार फिर से दिखाएँगे, और फिर थर्ड टोन फाइनल जब करेंगे उसके बाद की भी वीडियो हम आपको दिखाएँगे। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ क्लाइमेट कितना क्लाउडी है और सब्जेक्ट हमारा क्या है। सामने देखिए पेड़ भी आपको दिखाई दे रहे हैं 3-4, बट इसको हमने रिमूव कर दिया सामने से। वैसे वाटर कलर अक्सर हमेशा सुबह या शाम के टाइम में करना चाहिए, ताकि सुबह तो वैसे ज़्यादातर करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि बहुत अच्छा जो है लाइट एंड शेड निकल के आए। बहुत अच्छा टाइम होता है सुबह का जब सनलाइट रेज होता है। तो अभी ये ड्राई हो चुका है तो हम आगे का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने घर की डिटेलिंग पूरी कर दी है। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं बर्न्ड साइना का यूज़ और कई कलर को मिक्स करके ये सारे इफ़ेक्ट दिए जाते हैं। सिंगल कलर यूज़ नहीं होता है, अलग अलग टोन बनाने के लिए कई कलर को यूज़ करते हैं हम। तो डिटेल मैंने आपको दिखा दिया है, ये आप डिटेलिंग इसकी देख रहे हैं घर की। अभी ये सेकंड टोन हो गया है और सब्जेक्ट के ऊपर भी मैंने कलर कर दिया है। तो अभी थर्ड टोन फाइनल में थोड़ा सा यहाँ कॉम्पोजिशन वगैरह मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे 2-3 आदमियों को, जाइए दरवाज़ा है उधर साइड, तो यहाँ पे सामने पेड़ वेड़ को हमने रिमूव कर ही दिया है, और आपको सामने दिख रहा है पेड़ कैसा है, सामने का मौसम। तो अभी हम इसमें जो थोड़ा थर्ड टोन है, फाइनल टोन जिसे बोलते हैं, उसको हम फाइनल करके पेंटिंग को ख़त्म करेंगे। दोस्तों वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है इसमें, और बहुत मज़ा आता है करने में। इसको कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कर सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो चलते हैं अभी हम फाइनल टोन की तरफ, और फाइनल वीडियो आपको हम दिखाते हैं। तो अभी जा रहे हैं फिर से कलर करने। तो दोस्तों ये रहा फाइनल पेंटिंग, अभी फाइनल हो चुकी है तो हम थोड़ा बहुत डिटेल भी आपको दिखा दे रहे हैं इसी में। और मैंने जो 2-3 कॉम्पोजिशन बनाए थे, 2 दरवाजे के पास और एक उधर घर के पास, आपको नज़र आ रहा होगा। तो कैसा लगा है नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाटर कलर अभी ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप सारे कलर देख सकते हैं कैसे मैंने कहाँ पे क्या यूज़ किया है। वैसे तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इससे थोड़ा समझ पाएंगे। ये इधर पूरी मैं डिटेल दिखा दे रहा हूँ, डिटेलिंग इसकी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप ज़रूर नीचे कमेंट में करके बताइएगा कि वाटर कलर कैसा हुआ है। ये सामने रहा सब्जेक्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा कितना पेड़ था, झाड़ी सामने थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया था पेंटिंग में। तो फाइनल हो चुकी है पेंटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऋतिक इलाहाबादी। एंड आप लोग भी वाटर कलर की प्रैक्टिस करते रहो डेली, कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलता रहेगा। नए नए कलर के साथ फ्लो करिए और नया नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।